आपके पास सूचना है स्विस बैंक में किसकी किसका पैसा है, सूची आपके पास है, लाइकेनस्टाइन की सूची आपके पास है, 83 देशों के साथ हमारे सब समय में भी समझौता था, तो बताएं देश को कि किसका कौन कौन उस सूची में है, नाम बताएं देश को आज। प्रधानमंत्री, हमारी मांग है उस सूची में सब लोगों को नामजद करो, तो पता लगे उसमें से कितने आपको माला पहनाने वाले हैं। ज्यादा बहुमत उन्हीं का निकलेगा, उनके नाम क्यों नहीं बताते? अब 2.5 साल हो गए, आज की तारीख पूरे 2.5 साल मध्यावधि सरकार की आपके चुनाव जीतने की हो गए, 16 नवंबर है आज, अब सारी बात बदल दी। आप काला धन बाहर से वापस क्यों नहीं लाए? आप सवाल नहीं कर सकते, कौन है आप सवाल करने वाले? काला धन से लड़ने चले हो उपसभापति महोदय, 500 रुपए का नोट और 1000 का नोट रद्द कर दो और 2000 का नोट ले आए, जो रंग छोड़ रहा है, जो बचपन में हमको मिलता था चूरन के पुड़िया के अंदर, वैसे रंग का एक 2000 का नोट ले आया, जो कोई चाहता नहीं है। अब 2000 का नोट लेके गरीब आदमी कहां जाए, किसके पास उसका भुगतान करे? सब्जी वाले के पास जाएगा, होगा छूटा नहीं है, ढाबे में जाएगा छूटा नहीं है। उन्होंने क्या कहा गोवा में? उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, मैंने तमाम उन लोगों को, आज कौन लोग कतार में खड़े हैं? वो लोग कतार में खड़े हैं जो दो जी के घोटाले में थे, जो कोयले के घोटाले में थे, जो काले धन के व्यापार करते हैं, जो काले धन के प्रतिनिधि हैं। मैं निंदा करता हूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की, कि आपने हिंदुस्तान का गरीब आदमी जो 5 दिन से 6 दिन से कतार में खड़ा है 2000 रुपए निकालने के लिए, 4000 रुपए बदलाने के लिए, आपने उसको अपराधी कहा, कालाबाजारी कहा, स्कैम्पटर कहा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए।